गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज का ये लेक्चर होने वाला है ऑन द टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडिंग स्टैचूट्स तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वॉट कुड बी सर्टिन रूल्स विच वुड अप्लाई वाइल वी वाइल वी इंटरप्रेट दैचूस विच आर कंसिडर्ड एज एन अमेंडिंग स्टैचूट दैट इज टू से ऐसे वो हर वो स्टैचू जिनके आने से किसी और स्टैचूट के अंदर किसी भी तरह का अमेंडमेंट देखने को मिला है हम उनके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर कुछ बात करेंगे सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि अमेंडमेंट आखिर क्या चीज होती है तो एक अमेंडमेंट एक ऐसा लेजिस्लेटिव एक्ट है जिसे डिजाइन किया गया है टू चेंज सम प्रायर और एग्जिस्टिंग लॉ ईदर बाय एडिंग टेकिंग समर्टिकुलर प्रोविजन्स सो एज टू मेक इट केपेबल ऑफ कैरियंग आउट इट्स ऑब्जेक्टिव तो अगर किसी अमेंडिंग स्टैच्यूट के अंदर कोई एम्बिगुअस वर्ड यूज़ किया गया है जो ऑलरेडी इंटरप्रेट किया जा चुका है या जिसे ऑलरेडी एक मीनिंग अलाट की जा चुकी है बाई बाय द जुडिशरी तो सेम एक ओल्ड मीनिंग वुड बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर टर्म इवन इन दमेंडिंग स्टैच्यूट कॉन्ट्ररी तो अमेंडेड एक्ट को हमेशा उस तरीके से रीड किया जाएगा एज अर्ड ऑफ देंट है एक्ट एक्सेप्ट वेयर दैट वुड लीड टू एन इनकॉन्सिस्टेंसी जैसे कि एक केस में वज्रवालू वर्स स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर के 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 केस में आर्टिकल थर्टी वन सब क्लॉस टू के इंटरप्रटेशन की बात हुई जहाँ पर टर्म कॉम्पनसेशन का इंटरप्रटेशन वॉज इन क्वेश्चन तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो कॉम्पोजिशन था वो कब देने की बात हो रही थी क्या प्रॉपर्टी को अक्वायर करने से पहले या रिक्वजिशन करने से पहले या प्रॉपर्टी को अक्वायर और रिक्वजिशन करने के बाद तो यहाँ पर यही बोला गया ये सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो वर्ड कॉम्पनसेशन है ये ऑलरेडी जुडिशली इंटरप्रेट किया जा चुका है और जो जुडिशियल इंटरप्रटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है चूँकि अमेंडिंग स्टेच्यूट में कोई भी नया इंटरप्रटेशन नहीं दिया गया या कोई नया टर्म यूज़ नहीं किया गया उस जगह पे इसलिए हम उसे सेम ओल्ड मीनिंग के साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे सेम हैपन्ड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज बेला बैनर्जी ऑल्सो इस केस के अंदर भी पार्लियामेंट ने वही टर्म को वही मीनिंग के साथ एक्सेप्ट किया यानी कॉम्पनसेशन टर्म को पुराने इंटरप्रेटेड मीनिंग के साथ ही एक्सेप्ट किया जो अमेंडमेंट के पहले थी तो आपको यहाँ पर जब भी अमेंडिंग स्टैट्यूट के इंटरप्रटेशन के रूल्स की बात आएगी तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी इनैक्टमेंट के फ्रेजोलॉजी में कोई बदलाव आया है अमेंडमेंट से दैट डज नॉट ऑलवेज मीन चेंज इन द कंटेंट्स ऑफ द प्रोविजन और इन इट्स मीनिंग इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द जुडिशरी और द डिसाइडिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट टू सी वेदर द वर्ड्स यूज टू चेंज द मीनिंग और आर म्यूरली टू क्लैरिफाई द लॉ ये सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई होते हैं वेन वी टॉक अबाउट अमेंडिंग स्टैचूट नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन केसेस रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडिंग स्टेच्यूट जिसमें सबसे पहला केस है जोराबी वर्सेज अर्जुना का यहां पर था क्वेश्चन वेदर दमेंडेड प्रोविजो टू सेक्शन ट्वेंटी एट क्लॉज वन ऑफ दैदराबाद टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट नाइनटीन फिफ्टी विच वॉज़ अमेंडेड बाय महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी रिक्वायर्स द लैंड होल्डर टू गिव नोटिस टू द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ऑफ ईच डिफॉल्ट तो यहाँ पर अमेंडमेंट से पहले जो सिचुएशन थी और अमेंडमेंट के बाद की जो सिचुएशन है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्रिएट किया गया है और जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो ये हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ उससे पहले ही जो टेनेंट था वो ऑलरेडी डिफॉल्ट में था पिछले तीन सालों से तो क्या ये जो डिफॉल्ट में है क्या ये इस जो टेनेंट है उसका डिफॉल्ट वुड क्रिएट अ राइट इन फेवर ऑफ द लैंड लॉर्ड टू इंस्टीट्यूट अ प्रोसीडिंग फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट या फिर वो जो राइट right क्रिएट हुआ लैंड के फेवर में क्या वो टेक अवे हो जाएगा अमेंडमेंट की वजह से तो कोर्ट ने यहाँ पर एबट वर्सेस मिनिस्टर ऑफ लैंड 1985 के, के केस का रेफरेंस दिया और यहाँ पर यह कहा कि जो एप्लीकेशन ऑफ पजेशन है यह अमेंडमेंट के बहुत टाइम के बाद बन दी गई प्लस नोटिस टू टर्मिनेटिनेंसी वॉज इशूड इवन आफ्टर द प्रोवाइज वॉज अमेंडेड तो जो लैंड लॉर्ड था वो अमेंडमेंट के बाद भी पुराने प्रोविजन के हिसाब से नोटिस सर्व करते जा रहा था तो कोर्ट ने यहाँ होल्ड किया कि राइट right नो बडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड नन प्रोविजन कैन एक्चुअली वर्क एज एन अक्रूड राइट तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से चीज़ें पहले से चलते आ रही हैं अमेंडमेंट से पहले से वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी अनस एनी थिंग कॉन्ट्ररी इज बींग मशनड इन दमेंडेड स्टैचूट लेटर ऑन नेक्स्ट केस इज़ ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस सुभाष चंद्र ये 1984 का केस है इस केस के जो फैक्ट्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग टू इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट ने एम का कोर्स ज्वाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी में इन द ईयर नाइनटीन ये 1974 में फ़ाइनल एम एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए जहां पर इन्होंने तीन पेपर को पास किया और मिडवाइफरी प्रैक्टिकल को पास किया लेकिन ये मिडवाइफ्री की थ्योरी में फेल हो गए जहाँ पर इन्होंने स्कोर किया नाइन्टी फाइव आउट ऑफ टू हंड्रेड तो ही वॉज एज टू री अपीयर फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बिकॉज द होल सब्जेक्ट वॉज अ रूल टू अपियर भले ही वो प्रैक्टिकल में पास थे लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फिर से अपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरी में फेल थे पंजाब यूनिवर्सिटी जो कैलेंडर 1965 में था जब उन्होंने एडमिशन लिया था उसमें फाइनलाइज किए गए कुछ रूल्स फाइनलाइज किए गए थे कि स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स पे पास करना है कितने पे फ़ेल करना है या कितने मार्क्स पे ग्रेस अलाउ करना है तो वहाँ पर अगर पुराने रूल्स के हिसाब से चलते तो ही वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रेस मार्क्स एट वन परसेंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड फॉर ऑल फोर सब्जेक्ट्स यानी कि उन्हें सोलह नंबर का ग्रेस मार्क मिल जाता और वो बहुत आराम से मिडवाइफ्री के थ्योरी में पास हो जाते बट ही वॉज गिवेन ओनली वन परसेंट ऑफ टोटल ऑफ दी फोर हंड्रेड ऑफ मिड वाइफ एज पर द न्यू रूल एंड अमेंडेड वन तो जो नया कैलेंडर आया 1974 में तो वहाँ पर उन्हें 16 की जगह सिर्फ चार मार्क्स अलॉट किए गए और तभी भी उनके नंबर बढ़ करके 95 से सिर्फ 99 हो पाए और वो फिर भी एक नंबर से फेल हो रहे थे सब्जेक्ट में तो यहाँ पर रूल्स जो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि हमने क्या रूल पढ़ा था अमेंडिंग इंस्टीट्यूट के तो रिलेशन में कि अगर कोई पुराने शब्द को कोई एक ऑलरेडी मीनिंग दी जा चुकी है वो तभी तक कंटिन्यू करेगी जब तक कोई कॉन्ट्रेरी सिनारी पिक्चर में नहीं आता लेकिन हम इस केस के अंदर देख रहे हैं कि ऑलरेडी अमेंडमेंट किया जा चुका है और ग्रेस मार्क्स को डिटर्मिन करने का तरीका भी बदला जा चुका है तो नाउ अब उन्हें नए रूल्स यानी अमेंडेड रूल्स के हिसाब से ही फॉलो किया कंटिन्यू uh, करना पड़ेगा और उन्हें फिर से मिडवाइफरी के पेपर में अपियर करना पड़ेगा टू कंप्लीट दिस होल कोर्स